फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और यह है बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम, तो बज रहे थे 7:30 और अभी 7:30 बजा नहीं है और आज है संडे, तो यह है संडे का मॉर्निंग और मेरा झाड़ू वाड़ू लग चुका है और अब मैं पोछा लगाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर करते हैं कि और सारे लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने घर में जो होता है ना फिनाइल लाइजॉल डाला है पोछा लगाने के लिए सारे घर में। और यहाँ पे देखिए आर्यन भी सोया हुआ है और अभी सारे सब लोग सोए हुए हैं क्योंकि आज संडे है, तो सब लोग फ्री माइंड से सो रहे थे और मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे तो काम का, मतलब हम लोगों को तो काम का टेंशन रहता है कि झाड़ू है, पोछा है, सुबह का नाश्ता है, ये सब काम होते हैं। तो मैंने कहा जितना जल्दी निपटा लूँ उतना ही हल्का रहेगा। और आरोही आके पापा के पास सो गई है, देखिए कितने प्यार से सोई है पापा के पास में। और उसको, मतलब दोनों को, मेरे बच्चों को ना पापा ही पसंद है, आर्यन को भी आरोही को भी। और मैंने जैसे ही खिड़की से थोड़ा सा पर्दा हटाने की कोशिश की तो वो, मतलब वो उठने लगी, तो मुझे, मैंने कहा नहीं ऐसा, मतलब जग जाएगी फिर तो काम करना मुश्किल हो जाएगी, तो फिर मैंने पर्दा को खींच दिया है। और इधर देख सकते हैं किचन की हालत आप लोग, कल रात को मैंने कुछ भी नहीं किया है तो किचन भी वैसा ही फैला हुआ है, ना तो किचन क्लीन हुआ है, बर्तन भी पड़े हुए हैं क्योंकि शनिवार था तो मैं, मतलब लेजी हो गई, नहीं कर पाई काम और सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। और आप लोगों से मैं भगवान जी का दर्शन करा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मैं उठ के दर्शन करती हूँ तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं ब्रश व्रश करके मैं आ गई हूँ चाय पीने, तो ये चाय बिस्किट है मेरा क्योंकि मुझे लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो आज चाय बिस्किट लेते हैं। और ये छत जो हो रहा था ना सेंटरिंग, अब उस पर ढलाई हो रही है, आज छत की ढलाई हो रही है, तो वही मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे ढलाई हो रहा था, मैं देख रही थी कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के बज गए हैं 11, 11 बज रहा है और अभी हमारा खाना पीना नहीं बना है और आज है संडे, तो संडे को तो लेट हो ही जाता है। तो अभी मैं पूजा पाठ करके आ रही हूँ और ये लोग गए हैं मार्केट पनीर लाने के लिए और मैं जा रही हूँ आज पनीर की सब्जी बनाने। तो ये सारी तैयारी मैंने कर ली है, अब बस इसको चॉप करना है और सबको भून के शाही पनीर बनाऊंगी मैं। सारे मसाले रेडी है, सबको फ्राई करना है, फ्राई करके मतलब ग्राइंड करना है और बस पनीर आएगा, फटाफट से पनीर को फ्राई करना है। और एक तरफ पुलाव रख दूंगी, तो पुलाव और शाही पनीर बनाने वाली हूँ मैं। तो अभी नहा के जस्ट में आई हूँ, मेरा पूजा पाठ जो है ना हमारा हो गया है। और ये देखिए आरोही अभी खिलौना से खेल के गई है, पूरा खिलौना फैलाई है वो। और देखिए 7 बजे में उठी, 7 नहीं 6:30 बजे में उठी हूँ, सारा काम मेरा झाड़ू पोछा 7 बजे 7:30 बजे तक मेरा सारा काम भी हो गया था, फिर भी लेट हो गया बहुत ज्यादा। मतलब आज थोड़ा आरोही की तबीयत खराब थी ना, रात भर वो सोने नहीं दी है, रात को मैं सोई भी नहीं हूँ। और रात को उसको मतलब पेट में गैस बन गया था, वो रात में उल्टियाँ कर रही थी और उसके जो लैटरिंग है ना वो भी क्लियर नहीं हो रहा था, इसके लिए काफी रात भर वो परेशान थी और मैं भी नहीं सो पाई हूँ। बच्चों को कुछ होता है तो माँ तो बिल्कुल भी नहीं सो सकती है, तो यही है। चलिए कोई नहीं, मैं जाती हूँ खाना बनाऊंगी आज फटाफट से और 1 घंटे की नींद लूंगी मैं दिन में, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैं चलती हूँ फटाफट से, एक तरफ चाय बनाती हूँ एक तरफ पनीर की सब्जी बनाती हूँ, जब तक ये मसाले फ्राई करती हूँ काट के। सब्जियां मैंने काट लिया है, जो प्याज टमाटर वगैरह थे काट कूट के, उसके बाद में मैं आ गई हूँ जो मतलब उन सबको फ्राई करके मैं पेस्ट बनाऊंगी, ग्रेवी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जीरा, काली मिर्च, इलायची, लौंग और ये सब डाल दिया है और ये 4-5 काजू और बादाम। और उसके बाद में ये सारे जो सब्जियाँ थी वो डाल दूंगी, अदरक लहसुन। और यहाँ पे अदरक मैं अभी नहीं डाली हूँ क्योंकि अदरक नहीं था मेरे पास, तो वो बाद में लेके आए थे तो मैंने बाद में डाला था। तो लहसुन, मिर्च, प्याज सब कुछ डाल दिया है मैंने। और आज तो ऐसा पोपट हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे अदरक भी डाला है। मतलब ये सारी तैयारी मैंने करके रख ली, जब तक मैंने सोचा कि आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी। और ये टमाटर भी मैंने डाल दिया ग्रेवी के लिए, सब कुछ ओके था, लास्ट में तो ऐसा कांड हो गया ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, अभी आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए मतलब बिल्कुल सब्जियाँ हो गई है, पक गई है, प्याज टमाटर सब कुछ मतलब पक गया था, तो उसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया साइड में। तब तक मैं चल रही हूँ यहाँ पे पुलाव की तैयारी कर लेती हूँ, पुलाव या जीरा राइस वही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लौंग, इलायची का और दालचीनी और जीरा, काली मिर्च 2-4 और ये लाल मिर्च डाला है और घी डाला था 2 चम्मच और यहाँ पे सूखा नारियल और थोड़ा सा किशमिश डाल दिया है। तो
तो बस ये हो गया है। और इसको भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आधा मिनट के लिए भून के, उसके बाद में चावल को पहले से ही धो रखा था मैंने 10 मिनट, और ऐसा ना खिला खिला सा बनता है ऐसे भूनने के बाद में, तो उसको भी 10 मिनट के लिए मैंने भून लिया है, चावल को भी भून लिया था। और उसके बाद में थोड़ा सा नमक और चीनी डाला था, वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसे। थोड़ा सा नमक और थोड़ा चीनी डालना है, और पानी अपने अनुसार डाल सकते हैं। मैं तो वैसे ही डालती हूँ, लेकिन मेरा परफेक्ट बन जाता है, अंदाजे से ही डाल देती हूँ। तो पुलाव इधर बन रहा है, तब तक कढ़ाई को इधर कर दिया मैंने, और जब ग्रेवी भूनने जा रही हूँ, मैं ग्रेवी भी भून लिया था, बाद में पनीर लाया ना, ऐसा हलवा हो गया था पनीर। सच बताऊँ पनीर देख के तो मुझे बुखार लग गया था, यहाँ तक तो ठीक था, ये देखिए पनीर ऐसा लाए हैं ना मुझे, और इतना मतलब इतना घटिया पनीर था, हलवा हो गया था पनीर, ना तो काट पा रही थी और ना उसको फ्राई करती तो और भी हलवा हो जाता। तो मैंने वैसा ही डाला है, और आज की सब्जी आप लोग देख सकते हैं। टेस्ट तो अच्छा था, वैसा टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन पनीर हलवा हो गया था। वैसे ही बड़ा बड़ा टुकड़ा मैंने वैसे ही डाल दिया था गुस्से में। और ये है खाना हमारा, दोपहर के बज गए हैं 1:30, और मैं जस्ट अभी खा के आई हूँ। मतलब क्या बताऊँ, आज इतनी जोर की भूख लगी थी, और इधर बुक्स रखा हुआ है आर्यन का, और अभी बेडशीट भी मैंने उठाया है तो जा रही हूँ अभी बिछाने, लेकिन अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्योंकि मतलब बहुत भूख भी लगी थी, और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और बनाते बनाते ये पनीर लाने गए थे तो 2 घंटा उधर ही लग गया था, और इतना घटिया पनीर मिला है ना, सच बताऊँ पूरा हलवा हो गया था पनीर। मैंने मतलब पहले से तो इतने अच्छे से मैंने सोचा कि रेसिपी शेयर करूंगी, और जब पनीर आया ना तो मेरा बिल्कुल भी मतलब मन ही दुखी हो गया। फिर मैंने कहा यार कौन ये कैसे रेसिपी शेयर करूं जो हलवा बन चुका है, मैंने वैसे ही डाल दिया, बिना फ्राई किए ही डाला है, और उसमें भी पूरा मिक्स हो गया है, हलवा हो गया है, पनीर दिख ही नहीं रहा है। और 400 ग्राम पनीर था, इतना मतलब ज़्यादा भी था कम भी नहीं था, और पैसा बर्बाद भी हुआ। मैंने कहा कि क्यों लिया आपने, जब देखा आपने कि ये ख़राब है, जिस दुकान से आप लेते हैं वहाँ पर नहीं था, तो आपको नहीं लेना चाहिए था, छोड़ देते, आज नहीं मिलता तो कल बनाते, आज क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब लेके आ गए थे, वापस करने के लिए बोल रही थी तो ये जा भी नहीं रहे थे, और अभी बच्चों ने नहीं नहाया है क्योंकि वो लोग भी मार्केट गए थे पापा के साथ में, तो अभी वो लोग नहीं नहाए हैं, तो अभी थोड़ा सा आराम करके अब उन लोगों को नहलाऊंगी। और पूरा घर को फिर से फैला दिया है आरोही ने, और किचन में खाना वाना बनाया है तो वो भी फैला हुआ है। तो बस हो गया आराम, 10 मिनट के लिए आराम किया मैंने, और आ गई हूँ। ये अभी नहीं नहाए थे आज, खाना वाना खाने के बाद में, अभी आज संडे था तो आज ये इनका 2 बज गया था नहाने में, बच्चों ने भी नहीं नहाया था क्योंकि वो नीचे खेलने भाग गए थे। तो इनको लगा रही हूँ मैं फेस पैक, क्योंकि ये शेविंग करा के आए थे, तो मैंने कहा चलो आज बेसन और दही का फेस पैक मैंने लगाया था तो ज़्यादा बना लिया था आज, तो मैंने कहा कि चलो आपको भी लगा देती हूँ क्योंकि बच गया था, फिर इन्होंने कहा कि लो लगा दो। और यहाँ पे जो सुबह से ही देख सकते हैं कि खिलौना आरोही ने फैला रखा है, मतलब आराम करने भी जा रही हूँ ना तो मेरे मन में भी यही चल रहा है कि पूरा घर फैला हुआ है, तो मेरे से आराम भी नहीं हो रहा था। होता है इंसान को घर फैला हुआ हो ना तो कहीं भी आपको रिलैक्स महसूस नहीं होगा, जब तक घर अच्छा से साफ़ सुथरा ना हो ना आप अच्छे से चैन से सो भी नहीं सकते और ना बैठ सकते हैं। तो वही घर को समेटने लगी फिर क्या बैठना है, और पूरे दिन का यही रहता है, समेटती हूँ, झाड़ू पोछा दो दो बार पोछा भी लग जाता है कितना बार, तो आरोही पूरा फैला देती है घर तो। तो वही है, और आरोही स्कूल जा रही है, बोल रही मुझे बैग पीछे में टांग दो, मुझे स्कूल जाना है। तो उसके पापा वही और फेस पैक लगा के वो सुखा रहे थे, और वो दोनों बच्चों को भी वही नहलाएंगे, और घर जो थोड़ा बहुत है वो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, समेट देती हूँ। और ये है शाम का जो शाम का व्यू है, छत से मैंने लिया है, मौसम देख सकते हैं इतना प्यारा मौसम हुआ है ना, वाओ, काले काले बादल और देखने लायक मौसम था, सच में लग रहा था ना कि इतना सुहाना मौसम हो तो गया था ना। अभी 5 बज रहा है और मैं ना बिल्कुल सो गई थी, कल रात को नहीं सोई थी ना इसलिए मेरी आँख लग गई, और मैं सो के 4 बजे उठी हूँ। तो 4 बजे उठने के बाद मैं झाड़ू उड़ू बर्तन जो भी झाड़ू बर्तन किचन क्लीनिंग का था वो सारे क्लीन कर लिया मैंने, और वो आप लोगों से मैंने शेयर नहीं किया है, झाड़ू वाड़ू सब लगा लिया है मैंने। देखिए किचन भी क्लीन हो गया है, बर्तन भी क्लीन हो गया है, सब क्लीन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सुबह से मैंने आज बेडशीट नहीं डाला है क्योंकि मतलब होता है ना आलस आ गया था, आज काम संडे था तो हर काम में होता है ना थोड़ा, मैंने कहा आराम करती हूँ या तबीयत ख़राब हो जाएगा तो फिर काम कौन करेगा। तो बेड पे ने मतलब आर्यन ने क्या किया था ना, पूरे बुक्स को बेड पे ही फैला के रखा हुआ था। एक तो बेड पे ही सारी कारीगरी करते हैं बच्चे, खेलते हैं तो खिलौने भी बेड पे ला के रख देते हैं, तो वही बुक्स वगैरह हटा के, और मैंने कहा चलो चादर कम से कम बिछा देती हूँ, नहीं तो शाम हो गया है, शाम हो गया था, 6 बज रहा था अभी, तो फिर बच्चे आएंगे सोने के लिए तो वैसे ही सो जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं चादर तो बिछाना ही पड़ेगा नहीं तो बच्चे ऐसे ही सो जाएंगे। तो चारों तरफ से, और ये बेडशीट का कलर ना बिल्कुल डाउन हो गया, लेकिन कॉटन है इसलिए हम लोग डाल रहे हैं और फटा नहीं है, कॉटन है तो मतलब कंफर्टेबल होता है सोने में, अच्छा लगता है, और
थोड़ा सा मतलब ये वो वाला कपड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो वाला कपड़ा होता है तो वो अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए। और यहाँ पे किचन में मैं आ गई हूँ आरोही को दूध देने के लिए, तो आरोही को मैं दूध दे रही हूँ। और शाम, अभी देख सकते हैं खिड़की से, शाम का भी टाइम है बिल्कुल, तो दूध दूध दे के उसके बाद मैं करूँगी शाम का पूजा। तो आरोही ने डांस भी कर लिया, आप लोगों ने देखा ही। और आज का जो मेरा ब्लॉग है पूजा पे ही समाप्त होता है, और मैं मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग के साथ। कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कल मेरा बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है, तो उस ब्लॉग के साथ मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग भी भगवान जी से आशीर्वाद ले लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।